हम सभी जानते हैं कि महाभारत युग हिंदू धर्म के इतिहास का एक अहम समय था, जिसने कई सारे उतार चढ़ाव देखे थे। इस ग्रंथ में अनेक कथाएं हैं जिन्हें गहराई से जानकर आज भी मनुष्य चकित हो जाता है, पर इससे भी ज्यादा अचंभित करते हैं इन कथाओं में छिपे अनजान तथ्य। और ऐसे ही कुछ तथ्य जुड़े हैं पांच पांडवों की पत्नी पंचाली यानी कि द्रौपदी के स्वयंवर से। पंचाल के राजा द्वापद की पुत्री पंचाली या द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत का एक अहम अध्याय है, जिसके बाद इस युग ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। पंचाल में हुए इस स्वयंवर में न केवल पांडव मौजूद थे बल्कि कर्ण भी उपस्थित थे। लेकिन आपको बता दें कि पंचाली द्वारा कर्ण को ठुकराया गया था। ऐसा नहीं था कि कर्ण किसी भी रूप में असमर्थ थे, लेकिन पंचाली की पसंद तो केवल अर्जुन ही थे। लेकिन यदि पंचाली ऐसा ना करती तो महाभारत युग में उनकी कहानी कुछ और ही होती। शायद जिन मुश्किलों से वो गुजरी उन्हें कभी भी उनका सामना ना करना पड़ता। बता दें कि महाभारत के कुछ तथ्य से ये साबित करते हैं कि यदि द्रौपदी का विवाह पांडवों से ना होकर कर्ण से होता तो वो ज्यादा सुख में जीवन व्यतीत करती। लेकिन कैसे, चलिए बताते हैं आपको। द्रौपदी के पिता राजा द्वापर ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार अर्जुन से करने का फैसला किया था, लेकिन वर्णावत में पांडवों की मृत्यु हो जाने जैसी बात सुनकर महाराज द्वापर ने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रचने की योजना बनाई थी। इस स्वयंवर में मिली दूर से विभिन्न राज्यों के बुद्धिमान तथा कुशल राजा बुलाए गए थे। स्वयंवर में पांच पांडवों को भी बुलाया गया था, लेकिन इसके अलावा कर्ण भी वहां उपस्थित थे। और कहा जाता है कि कर्ण तहे दिल से द्रौपदी को पसंद करते थे, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। पर महाराज द्वापर के अनुसार स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी, और फिर जिसमें सभा में मौजूद वीरों को एक कार्य भी सौंपा गया था। द्वापर बोले, जो भी वीर सामने रखे धनुष को उठाकर उसे बांध कर ऊपर ऊंचाई पर बंधी मछली की आंख में पहली बार तीर चलाएगा, वही मेरी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लायक होगा। ये प्रतिस्पर्धा इतनी आसान नहीं थी जितना बताया गया था, और कार्य में दिया गया धनुष एक खास धातु से बनाया गया था, जिस कारण उसका वजन इतना ज्यादा था कि उसे उठाने के लिए शायद एक विशाल हाथी की जरूरत भी पड़ती। और इसके अलावा ऊपर बंधी मछली की आंख में निशाना लगाने के लिए ठीक नीचे एक बर्तन में भरे गए पानी में आ रही परछाई की सहायता लेनी थी। इस परछाई की मदद से ही निशाना लगाना था। और इसके अलावा ये भी शर्त थी कि कोई भी उम्मीदवार एक से ज्यादा बाण का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पंचाली का ये यकीन था कि स्वयंवर में अर्जुन के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति बेशक शामिल किए गए भारी धनुष को उठाने में सफल हो जाए, लेकिन मछली की आंख में सही निशाना नहीं लगा सकता। पर उनकी परेशानी कर्ण की स्वयंवर में हुई उपस्थिति ने बढ़ा दी। माना जाता है कि कर्ण धनुष बाण चलाने में अर्जुन से भी ज्यादा कुशल थे, इसलिए वो आसानी से पंचाली को स्वयंवर में जीत सकते थे। लेकिन दूसरी ओर द्रौपदी तो केवल अर्जुन को ही अपने जीवन साथी के रूप में देख रही थी, इसलिए अंत में पंचाली ने भरी सभा में कर्ण को लज्जित किया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं एक सुत पुत्र से कभी विवाह नहीं करूंगी। ये सुन सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति कर्ण का मजाक बनाते हुए ठहाकों के साथ हंसने लगा। कर्ण ने यह अपमान बर्दाश्त न कर सका और वहां से चला गया। इसके बाद राजकुमार अर्जुन ने ही धनुष बाण पर नियंत्रण पर पाकर मछली की आंख में सही निशाना लगाया। और पंचाली को स्वयंवर में जीत लिया। लेकिन पंचाली की दुविधा यहाँ समाप्त नहीं हुई। अंत में उसे केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि उसके साथ अन्य चार पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव की भी पत्नी बनना पड़ा। वो सभी को पति होने का बराबर दर्जा देती और पांचों भाइयों के साथ संभोग करने के लिए भी बांटी जाती थी। और यदि स्वयंवर में द्रौपदी का विवाह कर्ण से हो जाता तो उसे कभी भी किसी के लिए विभाजित होने की आवश्यकता ना होती। इतना ही नहीं, अपने स्वामी में जिन गुणों की द्रौपदी ढूंढती थी वो उन्हें पांच पांडवों में मिले तो जरूर, लेकिन अलग अलग रूप में। जहां युधिष्ठिर अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, वहीं दूसरी ओर भीम बलशाली थे और अर्जुन महान धनुर्धर थे। इसके अलावा नकुल और अपने शारीरिक आकर्षण के लिए जाने जाते थे, और सहदेव की अच्छी सूझबूझ के लिए माना जाता था। दूसरी ओर ये सभी गुण अकेले कर्ण में मौजूद थे। कर्ण भीम की तरह ताकतवर होने के साथ साथ अर्जुन की तरह धनुष विद्या में भी बेहद कुशल थे। केवल कुशल ही नहीं बल्कि कई बार उन्हें अर्जुन से ज्यादा सक्षम माना गया था। वे काफी समझदार, आकर्षक और नैतिक मूल्य से भरपूर थे। ये विशेषताएं कर्ण को पांच पांडवों से ज्यादा सक्षम बनाती हैं। लेकिन पंचाली की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहां उन्हें विभिन्न दुखों का भोगना था पांच पांडवों से शादी करके द्रौपदी जहां एक बड़े राज्य की महारानी
कहलाई। वहीं हर कदम पर अपमान ने भी उनका रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की। सबसे पहला अपमान था पांच पुरुषों की एक अकेली पत्नी होना। हिंदू मान्यताओं में एक ऐसी स्त्री जिसके एक से ज्यादा पति हों उसके चरित्र पर ढेरों उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन फिर भी इसे संयोग ही कहें कि इस हिंदू इतिहास में एक स्त्री के पांच पति हुए। पांच पतियों की पत्नी होने की भी बहुत बड़ी किस्मत मुश्किल से मिलती है। वो अपने सुख दुख जहाँ हर एक पति से बांटती, वहीं हर एक पति को बराबर समय देने के लिए मजबूर थी द्रौपदी। वेदव्यास द्वारा पंचाली को एक वरदान दिया गया था कि उनका कौमर्य कभी भी भंग नहीं होगा। वो हर बार जिस भी पति से शारीरिक संबंध बनाएंगी अंत में उनका कौमर्य वापस लौट आएगा, अर्थात वो हमेशा पवित्र ही रहेंगी। लेकिन इसी के साथ ही वेदव्यास द्वारा प्रत्येक पति को समय देने के लिए भी पंचाली का विभाजन किया गया था। कुछ माह अथवा वर्षों के लिए किसी एक पांडव के साथ रहने के लिए विवश थी पंचाली, और फिर वो समय समाप्त होने पर उन्हें अन्य पांडव के पास भेज दिया जाता था। इसी बीच कोई भी दूसरा पांडव भाई उन पर नजर नहीं रख सकता था। ये पंचाली के लिए अपमान के समान था, लेकिन समय के सामने उन्हें झुकना ही पड़ता था। पंचाली की कहानी पसंद केवल राजकुमार अर्जुन थे, लेकिन उन्हें पांच भाइयों की पसंद बनना पड़ा। लेकिन यदि उनका विवाह करण से हो जाता तो उन्हें इन सब का सामना ना करना पड़ता। करण कभी चाहकर भी अपनी पत्नी को किसी अन्य के साथ ना बांटते, वो स्वयं पंचाली को खुश रखने पर हर समय संभव रहते। दूसरी तरफ द्रौपदी के मन में केवल अर्जुन राज करते थे, लेकिन अर्जुन के मन में भी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने जगह बना ली थी। अर्जुन जिन्हें अपनी पत्नी द्रौपदी को दूसरे भाइयों के साथ बांटने का दुख बताता था, उन्होंने सुभद्रा को अपनी प्रिय पत्नी का दर्जा दे दिया था। अर्जुन सुभद्रा के विवाह का दर्द द्रौपदी के लिए सबसे बड़ा था, लेकिन अगर द्रौपदी का विवाह करण से होता तो करण के लिए केवल द्रौपदी ही उनकी प्रिय होती। यदि पंचाली का करण से विवाह होता तो शायद उन्हें कभी भरी सभा में लज्जित ना किया जाता। वो पांडव ही थे जिनके कारण द्रौपदी का चीरहरण संभव हुआ। पांच पति होने के बावजूद भी द्रौपदी की रक्षा करने वाला उस समय कोई नहीं था। केवल एक श्री कृष्ण थे जिन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन मानते हुए उनकी रक्षा की और सभा में अपमानित होने से बचाया। ये बात सत्य है कि गौरव तथा पांडव के बीच हुए उस खेल में गौरव द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। पांडव किस दिशा की ओर जा रहे थे उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था, लेकिन यह उनकी ही भूल थी कि एक खेल के चक्कर में उन्होंने अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा दिया था। दूसरी ओर इस बात को भी झुकलाया नहीं जा सकता कि सभा में करण भी गौरव के साथ ही थे। करण भी द्रौपदी का चीरहरण होने से रोक ना सके, बल्कि सभा में पांडवों को अपने कटु वचन से अपमानित करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। उस क्षण पंचाली को यह आभास हुआ कि उनके स्वयंवर के दौरान उन्होंने करण को अपमानित किया था, इसलिए करण इस बात का बदला ले रहे हैं। लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि करण के कटु वचन पांडवों की सही हुई आत्मा को जगाने के लिए थे। वो चाहते थे कि कम से कम उनकी बुरी बातों को ही पांडवों के अहंकार पर असर तो हो जाए और वो उठकर अपनी पत्नी को बचाने का संघर्ष तो करें, लेकिन ऐसा ना हो सका। जब द्रौपदी को ये बात पता चली तो उन्हें एक समय के लिए काफी बुरा लगा। कहा जाता है कि अर्जुन को सुभद्रा की ओर देखा जाता था। द्रौपदी का मन काफी उदास हो गया था और दूसरी ओर करण की सच्चाई जानकर उनके मन में करण के लिए अच्छाई आ गई थी। लेकिन ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो कोई नहीं जानता। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।